दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वीवो Y55S के बारे में। दोस्तों इस मोबाइल का अगर आप पैटर्न अनलॉक करते हैं या FRP अनलॉक करते हैं तो जिस तरह और सब मोबाइल को आप डायरेक्ट अनलॉक करते हैं उस तरह से इस मोबाइल को अगर अनलॉक करेंगे तो अनलॉक नहीं होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस मोबाइल को आप किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, लेकिन जो मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको जो बताऊंगा कि मेडिकल बॉक्स से आप किस तरह से इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस मोबाइल को जो है आइडियल मोड में लाना होगा। तो आइडियल मोड में आप इस मोबाइल को कैसे लाएंगे, तो आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को कंटिन्यू आपको सेम टाइम दबा के रखना है। उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है, उसके बाद आइडियल मोड ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस मैनेजर में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल के लिए जो है मेरे YouTube चैनल पर कई बार जो है कमेंट आ चुका है कि ये मोबाइल जो है मेडिकल बॉक्स है इसका FRP या पैटर्न जो है अनलॉक नहीं हो रहा है, तो कैसे इसका अनलॉक किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, तो मेडिकल टीम के जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये सक्सेस बिल्कुल रिपोर्ट है, 100% आप इस मोबाइल का FRP या पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे वेलकम टूल सेलेक्ट कर लेना है मेडिकल टूल में, ठीक है। वेलकम टूल जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सल आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिकली कंपनी का है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो आपको ये यूनिवर्सल रहने के लिए देना है। इसमें आपको कोई मेथड्स आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करके आइडियल मोड सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप आइडियल मोड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड पार्टीशन का ऑप्शन है और यहाँ पे रीड पैटर्न का ऑप्शन है और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से आप और सब मोबाइल को अनलॉक करते हैं उस तरह से अगर आप अनलॉक करेंगे इस मोबाइल को अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये मोबाइल जो है आपको इसमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ती है, उस फाइल के जरिए से आप इसका पिन पैटर्न या FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए FRP अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे रिमूव अदर लॉक पर क्लिक करके FRP अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अनलॉक नहीं होगा ये मॉडल। और अगर आपको मान के चलिए पैटर्न अनलॉक करना है या पिन रीसेट करना है तो आप यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और फ्लैश फाइल के अंदर में वो फाइल मिलेगा आपको। अगर आपके पास वो फ्लैश फाइल नहीं है इस मॉडल का तो आप इसी मोबाइल को रीड कर सकते हैं। और अगर आप रीड करना नहीं जानते हैं तो इसकी वीडियो जो है रीड वाली वीडियो जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख करके मोबाइल को रीड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान के चलिए पहले से आपके पास फ्लैश फाइल इस मॉडल का मौजूद है तो उस फ्लैश फाइल के अंदर में वो फाइल मिल जाएगा आपको, जिस फाइल से आप जो है इस मोबाइल को FRP रीसेट कर सकते हैं या पैटर्न को आप अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो का चेक हटा देना है और यहाँ से आपको जो है फाइल सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ से जब आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये फाइल आपको फ्लैश फाइल के अंदर में ही मिलेगा, ये फाइल आपको किसी कहीं अलग से आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप मान के चलिए आपके पास फ्लैश फाइल नहीं है तो आप मान के चलिए इस मॉडल को आप अगर अनलॉक कर रहे हैं वीवो 55S को, तो इसी मोबाइल का ही आप जो है फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं और उसी रीड की हुई फाइल से ही आप जो है इस मोबाइल का FRP या पिन या पैटर्न आप अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपको रीड करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रीड करने वाला जो है क्वालकॉम CPU को जो कैसे रीड किया जाता है उसकी वीडियो जो है उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो का चेक हटा करके आपको यहाँ पे जो है मैक एक्सिमल पे चेक आपको लगाना है और यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑल देख रहे हैं आपको इस सबको जो है आपको हटा देना है, अनचेक कर देना है। सिर्फ ओनली जो है मैक एक्सिमल पे चेक लगा हुआ रहेगा और यहाँ से जब चेक लगा हुआ रहेगा उसके बाद आप यहाँ से जो यहाँ से आप जो पैटर्न या पिन आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलिए अगर आपका FRP लगा हुआ है तो आप यहाँ पे रिमूव अदर लॉक पे क्लिक करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।